A very good evening to all of you. In this video, we are going to study about radius ratio. Okay, so ab hum padhenge is video mein radius ratio. It's radius ratio. Okay, to samjho ye bhi important portion hai. Direct question and numericals bhi hota hai, direct questions bhi hota hai. Sab kuch dekho. Suppose radius ratio kya hai? Abhi hum dekhe. Suppose ki hamara void hai. Void. Suppose tetrahedral void hai. तो ये एटम दिस इज द फर्स्ट टू एटम्स फ्रंट साइड में एक एटम पीछे होता है इसके ऊपर में एक एटम होता है ओके या फिर हम ट्रायंगुलर वॉइड लेते हैं ट्रायंगुलर वॉइड ये एक एटम है और ये एक एटम है ठीक है ये तीन एटम है तो इसके बीच में जो स्पेस बच गया ये जो स्पेस जो देख रहे हैं ये स्पेस रह गया दिस पोजिशन इज कॉल्ड एज क्या इसी को बोलते हैं वॉइड ओके और ये ट्रायंगुलर वॉइड है क्योंकि तीन एटम के बीच में है तो ये जो पोजिशन आ रहा है इट्स अ ट्रायंगल इट्स अ ट्रायंगल टाइप का पोर्शन आ रहा है तो इसको हम ट्रायंगुलर वॉइड बोलेंगे देखो फिर से बना देता हूँ ये पोर्शन हो गया तो इट्स अ ट्रायंगुलर ये ट्रायंगुलर जैसा दिख रहा है तो इट्स अ ट्रायंगुलर वॉइड ओके तो अभी क्या होता है कि एटम्स हमें तो पता है यूनिट सेल्स होते हैं यूनिट सेल्स जो क्रिस्टल बना होता है यूनिट सेल्स अब यूनिट सेल्स में डिफरेंट पोजिशन पे एटम्स लोकेटेड होते हैं जिस पोजिशन पे एटम्स लोकेटेड होते हैं दिस आर नोन एज लैटिस पॉइंट ओके उसको हम लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोलते हैं और उसमें वॉइड्स भी होते हैं voids भी प्रेजेंट होते हैं तो बेसिकली voids हमें दो ही टाइप का पढ़ना है एक void पढ़ना होता है tetrahedral void और एक हमें पढ़ना था octahedral void जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लेकिन अपार्ट फ्रॉम tetrahedral void एंड octahedral void देर आर अदर्स voids ऑल्सो एग्जिस्ट क्यूबिक void होता है ठीक है ट्रायंगुलर void होता है इट्स अ linear void भी होता है ऐसे ऐसे करके अलग अलग voids है लेकिन हमें डिटेल में दो void पढ़ना है tetrahedral void एंड octahedral void पढ़ना है बाकी सब void भी थोड़ा थोड़ा जानना है तो उसको थोड़ा सा जानना है उसी की बेसिस पे रेडियस रेशियो है तो अब ये जो क्यूब है दैट क्रिस्टल ये एक एटम से बना हो सकता है सपोज दैट क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ टू एटम्स वो क्रिस्टल टू एटम से बना हुआ है या फिर सपोज दैट क्रिस्टल इज आयोनिक क्रिस्टल अब आयोनिक क्रिस्टल है तो उसमें एक केटायन पोर्शन होगा एक अनायन पोर्शन होगा तो नॉर्मली क्या होता है सपोज एक आयोनिक कंपाउंड है जैसे कि जिंक सल्फाइड ये आयोनिक कंपाउंड जिंक सल्फाइड है ओके तो अब इसमें दो सेक्शन आ गया अब एक आएगा जिंक आयन Zn प्लस टू और एक आएगा सल्फाइड माइनस S2 माइनस ओके तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो सपोज ये वॉइड है ये हमारा यूनिट सेल है और इसमें एटम्स और ये वॉइड तो नॉर्मली क्या होता है ये जो हमारे एटम्स जो केटाइन है अब इसमें दो एटम्स है तो अब वॉइड्स ये तो देख रहे हैं दिस आर द पोजिशन ऑफ द एटम्स एंड ये जो देख रहे हैं ये वॉइड्स है तो वॉइड्स पे भी ना एटम्स लोकेटेड होते हैं वॉइड्स पे भी एटम्स आर लोकेटेड होते हैं लैटिस पॉइंट पे एटम्स लोकेटेड होते हैं और वो जो वॉइड्स होता है उस पे भी एटम्स लोकेटेड होते हैं अब वॉइड्स पे वॉइड्स तो छोटा सा स्पेस है तो वहां पे जो एटम्स लोकेटेड होगा इट विल हैव स्मॉल साइज जो वॉइड्स पे एटम होंगे द एटम्स लोकेटेड एट द वॉइड्स दैट विल हैव स्मॉल साइज ठीक है एटम्स और आयंस एटम्स हो या फिर आयंस हो विच आर लोकेटेड एट द वॉइड्स एटम्स आयंस लोकेटेड एट the voids ठीक है voids will have a small radius या small size होगा या small radius होगा okay ये portion क्योंकि वहां पे voids पे जो space है वो बहुत छोटा सा place होता है ये portion जरा देखते हैं इसको हम जरा देखते हैं ठीक है suppose ये तीन atom के बीच में ये तीन sphere के बीच में यहाँ पे बीच में छोटा सा space है तो वहां पे हम छोटा सा एक atom रख सकते हैं तो that will have a small size जैसे कि हम देख रहे हैं ये हमारा तीन क्रिकेट बॉल है ओके और यहाँ पे छोटा सा पोर्शन है यहाँ पे तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन सपोज एक छोटा सा स्फीयर होगा छोटा सा स्फीयर उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं यहाँ पे तो इट कैन हैव द वॉइड्स कैन वॉइड्स में भी एटम्स लोकेटेड होते हैं एंड कंडीशन क्या है एटम्स और आयंस लोकेटेड एट द वॉइड्स विल हैव स्मॉल साइज ठीक है तो अभी देखते हैं जो एटम्स सपोज हमारा एक मैं फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये पोर्शन है एंड दिस इज द पोर्शन ठीक ये पोर्शन तो ये हमारा एटम्स है एटम्स एट द लैटिस पॉइंट ओके और इसका रेडियस मैं लेता हूँ कैपिटल आर एटम्स एट द लैटिस पॉइंट दे हैव अ रेडियस कैपिटल आर ठीक इन सबका रेडियस कैपिटल आर ये रेडियस कैपिटल आर एंड यहाँ पे लैटिस ये जो देख रहे हैं वर्ड्स जो देख रहे हैं वर्ड्स जो है यहाँ पे भी एक एटम लोकेटेड है यहाँ पे भी एटम लोकेटेड है एंड इट हैज रेडियस स्मॉल आर इसका रेडियस ले लेता हूँ स्मॉल आर ठीक है तो ये जो वर्ड्स पे जो एटम लोकेटेड है दैट हैव रेडियस स्मॉल आर एंड जो हमारा लैटिस पॉइंट पे जो एटम्स लोकेटेड है दैट हैव रेडियस कैपिटल आर तो इन्हीं के बीच का डिफरेंस इन्हीं के बीच का जो रेशियो होता है
स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ठीक है, मीन्स वॉट स्मॉल आर इज वॉट रेडियस ऑफ एटम और आयन प्रेजेंट एट द वॉइड पोजिशन, एंड कैपिटल आर इज वॉट रेडियस ऑफ एटम और आयन प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट. उसी के रेशियो को बोला जाता है रेडियस रेशियो, उसी के रेशियो को बोला जाता है रेडियस रेशियो. इट्स अ ट्रायंगुलर वॉइड क्योंकि इसका आयन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है क्योंकि इट इज प्रेजेंट बिटवीन 3 एटम्स. ओके, तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए पढ़ना है, 4 के लिए पढ़ना है, 5 के लिए नहीं पढ़ना होता है, 6 के लिए पढ़ना है, 8 के लिए पढ़ना है. ओके, तो ऐसे ऐसे करके पढ़ना होता है. तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रेडियस रेशियो हमें क्या समझना है. तो रेडियस रेशियो का मतलब पहले ये समझ लेना है कि हमारा इट्स रेडियस ऑफ द एटम और आयन प्रेजेंट एट द वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम और आयन प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट. अब आयनिक कंपाउंड में आते हैं. आयनिक कंपाउंड में बेसिकली क्या होता है कि जो रेडियस ऑफ केटायन जो होता है आर प्लस इज ऑलवेज मच स्मॉलर या स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एनायन होता है. रेडियस ऑफ केटायन इज मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एनायन होता है इन जनरल. ऐसा नहीं कि सारे आयनिक कंपाउंड्स में होता है, लेकिन इन जनरल इन ओवरऑल ऑलमोस्ट ओवरऑल सारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन इन जनरल मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड्स में ऐसा देखा गया है कि रेडियस ऑफ केटायन इज मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एनायन. तो रेडियस जो केटायन होता है एक लैटिस में एक क्रिस्टल में, उसमें केटायंस आर जनरली लोकेटेड एट द वॉइड पोजीशन एंड जो अनायंस होते हैं जनरली दे आर लोकेटेड एट द लैटिस पॉइंट. वही मैं बताना चाह रहा था, लैटिस पॉइंट. ओके, तो वही जिंक सल्फाइड में जो Zn plus 2 आयन है इट विल लोकेटेड एट द वॉइड पोजीशन, वेयर सल्फाइड आयंस आर लोकेटेड एट द लैटिस पॉइंट्स. ओके, तो रेडियस रेशियो, तो अभी इसको ड्रॉ करेंगे, इस पोर्शन को ड्रॉ कर लेंगे एंड यहाँ पे एक स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, दिस इज रेडियस रेशियो, दिस इज रेडियस रेशियो. ये पोर्शन है हमारा रेडियस रेशियो, ये है हमारा रेडियस रेशियो वेयर वेयर स्मॉल आर एंड दिस इज कैपिटल आर. इसको लिख लो, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ एटम और आयन प्रेजेंट एट द वॉइड पोजिशन पे, एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ एटम और आयन प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट. इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है. स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द एटम और आयन प्रेजेंट एट द वॉइड पोजिशन, वेयर एज द कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ एटम और आयन एट द लैटिस पॉइंट. तो इन सब चीज को मेंशन कर देंगे एंड नाउ रेडियस रेशियो देखते हैं. तो अभी देखो रेडियस रेशियो के लिए क्या होता है, पहले देख लेंगे इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वॉइड सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ वॉइड एंड थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है रेडियस रेशियो. इट्स रेडियस रेशियो ये स्मॉल आर बाय कैपिटल आर. ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है. इन सब के लिए पढ़ना है. कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए स्ट्रक्चर ऑफ द वॉइड इज लीनियर. कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ये 3 एटम्स ऐसे रखे हुए हैं, ये 3 एटम्स रखे हुए हैं, एक एटम, दो एटम और ये 3 एटम, इसके बीच का जो वॉइड है इट्स अ ट्रायंगुलर वॉइड. तो इसका जो शेप आएगा इट्स अ ट्रायंगुलर. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये जो होता है ये 3 एटम, ठीक है, और इसके ऊपर में ऐसे ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो होता है उसके अंदर में टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, तो इट्स अ टेट्राहेड्रल वॉइड. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड. कोऑर्डिनेशन नंबर 8 जब 8 स्फीयर के बीच में जो वॉइड होता है दैट इज नोन एज क्यूबिक वॉइड, उसका जो स्ट्रक्चर होता है इट्स लाइक क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो इट्स अ क्यूबिक स्ट्रक्चर. ओके, रेडियस रेशियो ये 0 से 0.155 के बीच में लाई करेगा, इट्स 0.155 से लेके 0.225 के बीच में लाई करता है. 3 के लिए 0.225 के लिए 0.414 के बीच में, 4 के लिए एंड 6 के लिए 0.414 से लेके 0.732 तक एंड दिस इज 0.732 से लेके 1 तक. ओके, एंड रेडियस रेशियो विल ऑलवेज लेस देन 1, ये 1 से हमेशा छोटा होगा क्योंकि हम देखते हैं रेडियस रेशियो का मतलब क्या है. इट्स स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द एटम एट द वॉइड पोजिशन. तो वॉइड पे जो भी
प्रेजेंट होगा दैट विल हैव अ स्मॉल वैल्यू इट विल हैव रेडियस का उसका वैल्यू स्मॉल होगा व्हाई बाय द रेडियस ऑफ एटम प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट इट विल हैव लार्जर साइज लार्ज वैल्यू तो स्मॉल वैल्यू अपॉन लार्ज वैल्यू इट विल ऑलवेज लेस देन 1 तो कोऑर्डिनेट्स में 2 होगा तो द वॉइड का स्ट्रक्चर होगा इट्स लीनियर बेसिकली सारे बुक्स में यहां से स्टार्ट किया 3 से बट मैं 2 के लिए भी बता दे रहा हूं 2 के लिए लीनियर वॉइड होता है 0 से लेके 0.155 के बीच में होगा कोऑर्डिनेट्स जब 3 होगा देन द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉइड इज ट्रायंगुलर वॉइड है एंड इट्स का कोऑर्डिनेशन वैल्यू रेंज करेगा 0.155 से लेके 0.225 तक व्हेन द कोऑर्डिनेट्स इज 4 देन द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉइड इज टेट्राहेड्रल एंड इसका बेस वैल्यू 0.225 से 0.414 तक कोऑर्डिनेट्स 6 देन द वॉइड का स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल एंड 0.414 से लेके 0.732 तक एंड कोऑर्डिनेट्स 8 देन स्ट्रक्चर ऑफ वॉइड इज क्यूबिक इसका वैल्यू 0.732 से रेंज करके 1 तक तो इसके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा बट कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं डायरेक्टली बता देता हूं क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉइड व्हेन द कोऑर्डिनेशन इज 4 द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉइड व्हेन द कोऑर्डिनेशन इज 4 इज टेट्राहेड्रल या व्हाट इज द रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 व्हाट इज द रेडियस रेशियो व्हेन द कोऑर्डिनेशन इज 4 सो दिस यू हैव टू राइट दिस वैल्यू ओके ऐसे ही करके चेंज कर करके पूछा जा सकता है या फिर ऐसे पूछा सकता है व्हाट इज द रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 0.414 से 0.732 तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल आई विल कंटिन्यू दिस पोर्शन थैंक यू